हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर जो पेड मॉक टेस्ट है ना, उसका वीडियो सॉल्यूशन मैंने ऐप पे भी डाला और उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। मैंने पहले भी कहा था, बिकॉज पिछली एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अगले एग्जाम में हम लोग अवेलेबल नहीं कराते, वो सभी चीज़ें हट जाती हैं जो पेड होती हैं, तो उनका यूट्यूब पर हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो पेड बैच में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जहाँ पे 2 अवेलेबल हो गए और 8 विद इन 4 डेज के अंदर, बाकी के 8 मॉक टेस्ट अवेलेबल करा देंगे हम लोग। ठीक है, विद इन 4 डेज के अंदर तो 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और ओल्ड बैच के 15 मॉक टेस्ट हैं, न्यू वाले 10 मॉक टेस्ट है, तो कुल मिला के 25 हो जाएंगे आपके 49 रुपीज़ में। सिर्फ ना सिर्फ एयरफोर्स के बल्कि कोस्ट गार्ड, नेवी, MR के भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे इसके मॉक टेस्ट को मैं सॉल्यूशन कराता हूँ और पैसेज नहीं कराऊंगा। इसके पीछे का रीज़न है, पैसेज में कोई जमा नहीं है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से करेंगे पैसेज को छोड़ के। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, बट एक चीज़ मैं याद दिला दूँ, अगर किसी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है तो अपने इंग्लिश ग्रामर का रूल जो मैंने टॉप 52 कराया यूट्यूब के ऊपर, आपने नहीं देखा तो जाओ देखो। ठीक है, वीडियो में जाओ देखो, टॉप 52 रूल्स का वन शॉट वीडियो मैंने डाला है, 100% पूरा ग्रामर वहीं से आएगा। मैं लिख के देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। अगर मेरे से किसी को बेट लगाना है, बेट लगा लो, बाकी जितने करोड़ का लगाना लगा लो, एक सिंगल क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा जो उस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये चीज़ है, और उसके बाद उसको करने के बाद हमारी वोकैब पढ़ लेते हो और हमारी ग्रामर की PDF से प्रैक्टिस कर लेते हो, मस्त रहना। मोर देन 80% क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगी इधर से। ग्रामर के वीडियोज देख लो, उसके बाद हमारी इस PDF से प्रैक्टिस कर लो और इसकी वोकैब याद कर लो। इंग्लिश के 80% चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, साथ में हमारी रीजनिंग की PDF, हमारी मैथ की PDF से ऑलमोस्ट 100% सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेट लगा लेना, अगर किसी एडुकेटर को लगाना हुआ तो, मैं इसमें बोल रहा हूँ, मैथ वाई ग्रुप का, रीजनिंग वाई ग्रुप का एक सिंगल कंसेप्ट, देखो सेम टू सेम वही उठा के नहीं देंगे, बोलो नाम अलग होगा, डेटा अलग होगा, बट कंसेप्ट यूज करना एग्जैक्टली वही होगा। जो एग्जाम्स पहले इनको 2 बार बना लेते हैं, मैथ रीजनिंग 100% आना है यहाँ से। और GK करंट अफेयर तो छोड़ो, मैं 80% भी क्या बोलूँ, 60% भी आ जाए वो बहुत है, फिर भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की PDF बनवाई है और इसके साथ हम लोग GK की PDF दे रहे हैं, इसको याद कर लो। मोस्टली ये 50% तक, 60% तक हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग GK करंट अफेयर टच करा दें, बट 100% बेट वेट नहीं लगाते भैया, बहुत रिस्की जोन है, बट फिर भी हमने BBI टॉपिक्स इसके अंदर ऐड कर दिए। सारे PDFs को एग्जाम से पहले बाय करके आप पढ़ सकते हो। अभी चलो हम लोग मॉक टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। चलो अभी इंग्लिश के हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, पैसेज की सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज पैसेज में कुछ है नहीं, पढ़ो और आंसर करो। ठीक है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। अभी पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, इसके अंदर क्या कह रहा है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, मतलब तुम चुपचाप नहीं रहोगे तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, मतलब शूट कर दूंगा। सी सेड टू हर इन काम वॉइस, मतलब वो बड़ा प्यार से बोली, ठीक है, चुपचाप रहो वरना शूट कर दूंगी। तो सीन यहाँ पे ये है ना, देखो जब शूट करने की जब धमकी दी जा रही है, तुमको मार वार दूंगी, तो ऑब्वियस चीज़ है वो वार्न कर रही है, धमकी दे रही है, चेतावनी दे रही है, तो वार्न होगा ये, या तो ए या तो सी। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है ना, सी के अंदर देखो कालमी वर्ड को जो है ना, कामली कहते हैं ना कि सी सेड टू हर, कहाँ गया हमारा काम वॉइस, तो वो बड़ा प्यार से बोली लेकिन धमकी ही दी प्यार से, ठीक है ना, बड़ा आराम से कहते हैं ना कि प्यार से धमकाना, दैट इज कॉल्ड काम। ठीक है, तो इस वर्ड को इसके अंदर कहाँ लिखा गया, यहाँ। इन दोनों में क्या फर्क है मैं बताता हूँ, देखो ये कह रहा है सी वार्न्ड हर कामली, ठीक है, और ये कह रहा है सी वार्न्ड हर टू शूट, ठीक है। इफ, अब यहाँ पे इफ कहाँ से आ गया, इफ तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, तो इफ तो गलत है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। बाकी बी एंड डी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज उसके अंदर वार्न वार नम का जो है कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग, छठा नंबर कह रहा है इसमें गारंटी का सही स्पेलिंग पूछा गया था, उम्मीद है आपने देखे समझ गया होगा गारंटी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी वाली गारंटी की सही स्पेलिंग है। फिर कह रहे हैं देखो सेवेंथ के अंदर मैंने ग्रामर का एक चीज़ मैंने पढ़ा दिया था, वो ग्रामर का पूरा रूल यूट्यूब के ऊपर आपने देखा होगा तो देख लो, अदरवाइज उससे ज़्यादा कुछ एग्जाम में ग्रामर का कॉमेंटेटर नहीं पूछने वाला। मैं ना ये ताल ठोक के कह सकता हूँ, सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा ग्रामर में 52 रूल से बाहर। अब देखो इधर राम और भुवन फॉरगेट टू टेक देयर पेन, अब बताओ भैया क्या इसके अंदर एरर है। मैंने कहा था ना कि इधर और क्या है और, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे या तो राम या तो श्याम, कुछ इस कंजक्शन से अगर आएगा तो इसके नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग हम लोग फिल करेंगे। तो इसका नियरेस्ट वैल्यू कौन सा है, और के बाद भुवन है, तो भुवन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे, या फिर एक चीज सुन लो, इधर और से रिलेटेड जब भी आए ना तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज करना, तो हम लोग यहाँ पे भुवन के लिए क्या करेंगे, हिज का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दे रखा है इस चीज को, ये तो मॉक के अंदर दे रखा था, फिर भी सॉल्यूशन कराया मैंने। नो सूनर डिड द नर्स एंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड, अब इसके अंदर बताओ, ये तो डायरेक्टली आंसर समझ में आ रहा होगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा भाई,
कोई मतलब चांस ही नहीं बनता कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला था ना नो सुनर के साथ देन का एग्जाम में दिया जाता है जबकि देन होता है हमारा, ठीक है देन नहीं होता देन होता है, तो यहाँ पे 4 नंबर में गलती है। ओके चलो आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है ना ट्रैजिक का आपको बताना है, ट्रैजिक का आपको बताना है वो क्या अपोजिट मीनिंग, ठीक है नियरली अपोजिट। ट्रैजिक का मतलब होता है ना दुखदाई टाइप का, ठीक है जिससे मतलब थोड़ा सा वो हो मतलब दुख हो संकट टाइप का सीन आ रहा है। और ओके और बोरिंग का मतलब समझ ही रहे हो बोर हो रहे हम लोग, मतलब मन नहीं लग रहा। मिस्टीरियस का मतलब वो होता है जैसे लाइक गुप्त टाइप का जिसका मतलब रहस्यमय। और इनक्रेडुलस का मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और कॉमिक का मतलब होता है हास्य हंसी वाला चीज, तो अभी से चीजें जो दुखद है उसका उल्टा हंसी वाली चीजें हो जाएंगी। और हमने मॉक टेस्ट के अंदर पूरा ये चीज दे रखा था। आगे चलते हम लोग कह रहे हैं क्या पैनेमोनियम, ठीक है पैनेमोनियम का पूछा गया हमसे क्या नियरली सिमिलर मीनिंग, ठीक है सिनोनिम पूछ रहा है। पैनेमोनियम का मतलब होता है ना कि शोरगुल भरा हुआ जहाँ पे कुछ समझ में ना आए कि क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा शोरगुल हो हल्ला भरा हुआ माहौल जहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए, मतलब हल्ला गुल्ला भी और कंफ्यूजन में, डेट इज अटर कंफ्यूजन। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो मतलब कहते हैं ना कि नोइजी वगैरह करके कुछ ऑप्शन में डाला जा सकता था वगैरह, हमने यहाँ पे डाल रखा था एक्स्ट्रा चीजें। आप देख सकते हो मॉक टेस्ट के अंदर हमने चीजें को प्रोवाइड कर रखा था। चिल्ड्रन ऑलवेज क्वारल अबव पेटी इशूज, देखो इसके अंदर एक एरर था हमारा, आंसर क्या था और बाय मिस्टेक टाइपिंग में गलती हो गया था वहां पे। क्वेश्चन ठीक था सॉल्यूशन ठीक था बट इसका आंसर गलत पिक था, तो उसके मार्क्स सबको बढ़ा दिए गए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो इसमें क्या है ना कि जब भी कोई किसी मुद्दे को लेके आप झगड़ा करते हो तो उस पे उस मुद्दे पर झगड़ा करते हो तो एबव नहीं ओवर कहते हैं, क्वेरल ओवर समथिंग, ठीक है किसी चीज को लेके झगड़ा करना क्वेरल ओवर होता है। तो हमारा सॉल्यूशन तो दिया हुआ था उसके अंदर ठीक ठाक बट इसका आंसर सी दे रहा था, डेट इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेरल ओवर होता है ना कि एबव, ठीक है। 12 नंबर देखो वॉइस पूछ रहा आपसे, ही हैड केप्ट अस हिज डाइट प्रोग्राम फॉर अ मंथ, ठीक है क्या कह रहे भाई डाइट प्रोग्राम है 1 मंथ के लिए, सही बात है। देखो यहाँ पे ना सबसे पहले किप के साथ जो अप है उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है तो इसके साथ छोड़ नहीं सकते और इसके अंदर किप का अप देखो भूल गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। और यहाँ पे हैड है ना तो यहाँ पे हेडबिन आना चाहिए, तो देखो इसके साथ हेडबिन नहीं है और यहाँ पे वाज है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस चीज हैडबिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, किप के साथ अप भी है, तो बाकी तो इन तीनों को हमने एलिमिनेट कर ही लिया तो फिर उतना सोचना क्या है। 13 नंबर देखो मेक अप वंस माइंड, तो एक ईडियम होता है मेक अप वंस माइंड, इसका मतलब क्या होता है, मेक अप वंस माइंड का मतलब होता है ना कि कोई डिसीजन बना लेना, ठीक है निर्णय कर लेना कि मेरे को क्या करना है, मैंने निर्णय कर लिया, डेट इज मेक अप डिसीजन, मेक अ डिसीजन। ओके आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहा है इसके अंदर बताओ पैराजम्बल है सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह वगैरह, तो देखो अगर मैं पहला ऑप्शन पढ़ू मेरे को एक से स्टार्ट है सी के अंदर, मैं ये अगर पहले रखता हूँ ना पेंडिंग बिकॉज इट वाजंट, मतलब क्या भाई क्या पेंडिंग में, कुछ पता तो होना चाहिए पेंडिंग बिकॉज पेंडिंग है क्योंकि इट वाजंट या नहीं है, तो मतलब क्या पेंडिंग में है कुछ मेरे को पहले से समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक से कैसे स्टार्ट कर दूं, मैं बोलूं किसी के सामने ठीक है इस तरीके मन मान लो मैंने आपके सामने आया ठीक है और मैं अचानक से बोल रहा हूँ कि पता है पेंडिंग है क्योंकि इसका मतलब इसका ये रीजन है, मैंने क्या रीजन है पता नहीं चला, अब आप मेरे को मारोगे ना भाई क्या पेंडिंग है और किस किस का क्या रीजन है कुछ तो बताओ, मैं ऐसे बोलूंगा पेंडिंग है इसका ये रीजन है, क्या पेंडिंग है क्या रीजन है मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप भी कंफ्यूज जाओगे, तो इसलिए हम इससे स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। अब मैं ये बोल दूँ ना कि चलो ठीक है टू मैनी केसेस स्टिल लाई, मतलब बहुत सारे केसेस जो हैं अभी पड़े हुए हैं, तो ये तो ठीक है समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ है कुछ केस है जो कि पड़ा हुआ है तो टू से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट नहीं कर रहे बिकॉज कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो थ्री से भी नहीं स्टार्ट होगा। फोर्थ से क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते मैं बताता हूँ, कन्फर्म दैट द एक्यूज रियली, अब भाई कन्फर्म कर दिया दोषी को, इस चीज का दोष ये पता नहीं है क्या हुआ है क्या पता नहीं है, डायरेक्टली दोषी बना दोगे और कंफर्म कर दोगे, तो ये भी फोर से नहीं स्टार्ट कर सकते और ए से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, तो सी एंड डी को तो एलिमिनेट कर देने का ब्रो, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ए एंड बी में क्या होगा दो से स्टार्ट होगा, अब ये कह रहा है टू मैनी केसेस स्टिल लाई, ठीक है बहुत सारे केसेस अभी पड़े हुए हैं, तो क्या पड़े हुए हैं तो समझ में आ रहा है ना कि पेंडिंग पड़े हुए हैं ना, तो ऑप्शन ए को ले आओ, तो दो के बाद ए कहाँ पे है तो टू के बाद वन जो है ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, तो हमारा बिल्कुल भी सही है ये चीज। 15 कह रहा है ना कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक ब्रो, ट्रिपल फिल इन द ब्लैंक दिया था मैंने, बहुत सारे देखा बच्चे गलत कर रखे हैं इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है द रेनफॉल डैश इंडिया वेयर इज डैश, अब देखो पहली बात तो मेरे को समझ में आ रहा है कि इंडिया के पहले क्या करें नहीं अगर समझ में आ रहा, तो ये तो ना वेरी के साथ क्या होता है फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, तो सेकेंड नंबर पर देखो फ्रॉम कहाँ पे है दोनों में है ठीक है ओके, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम ईयर डैश ईयर, ठीक है ईयर टू ईयर होता है ना ईयर, फ्रॉम के बाद कौन सा आता है प्रिपोजिशन टू आता है, मैंने टॉप 52 रूल्स के अंदर पढ़ाया था ना आपको, बिटवीन के साथ एंड आता है फ्रॉम के साथ टू आता है, ठीक है तो फ्रॉम के बाद टू आएगा ना ये चीज़,
तो फिर इसके अंदर क्या आप पढ़े हो, इसके अंदर भी देखो अगर मैंने फ्रॉम करा वेरी के साथ तो अगला प्रीपोजिशन इसका क्या आया, टू आया, फ्रॉम टू, इधर भी फ्रॉम टू, बस सिंपल से लॉजिक है जनाब। तो ऑप्शन नंबर सी बचा हमारा, क्योंकि दो हमको मिल गया मैच कर गया, तो ऑटोमेटिकली इन इंडिया रेनफॉल, रेनफॉल इन इंडिया वेरीज, मतलब भारत का, भारत में जो रेनफॉल है वो वेरी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 60 नंबर बोलो, माई फ्रेंड्स फादर डाइड डैश कैंसर, मेरे जो दोस्त के पापा हैं वो कैंसर से डेथ कर गए। तो ये अगर किसी चीज़ के बीमारी की वजह से कोई डेथ करता है, डेट इज ऑफ, डाई के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। देखो अगर बीमारी से डेथ करता है तो डाई ऑफ होता है, और कोई एक्सीडेंट वगैरह से मरता है तो डाई के साथ प्रॉम प्रीपोजिशन आता है। 17 नंबर कह रहा है, सी हैज नो टेस्ट डैश म्यूजिक, मतलब उसको म्यूजिक का टेस्ट नहीं है का, मतलब वो म्यूजिक का खाता है नाश्ते में, ठीक है, नहीं ना, म्यूजिक खाता नहीं है मतलब शौक, तो म्यूजिक का कोई शौक नहीं है, डेट इज टेस्ट फॉर म्यूजिक, ये फ्रेज है। टेस्ट फॉर का मतलब होता है किसी चीज का शौक होना ना होना वो चीज अलग है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज गलत है, टेस्ट यहाँ पे ऑफ ना हो के सी होगा, इसमें भी देखो एरर है, टेस्ट फॉर म्यूजिक होता है ना कि टेस्ट ऑफ म्यूजिक होता है, तो यहाँ पे गाइस डी ना हो के सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो इसको सुधार दी जाएगी, टेस्ट फॉर म्यूजिक होगा ना कि ऑफ म्यूजिक होगा। आगे देखो कह रहा है ना कि नाउन फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट का नाउन फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो एक्सेप्ट का नाउन क्या होगा, एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबली क्या है भैया, एडवर्ब है, एक्सेप्टेबल क्या है वो है एडजेक्टिव है, और एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट तो आपका वो है ना, क्या कहते हैं उसको, वर्ब है, ठीक है। 19 नंबर कह रहा है, कॉन्सेप्ट का पूछ रहा है आपसे, ऑपोजिट बता दो, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अहंकार करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विनम्र होना, डेट इज मॉडेस्ट, ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है, विनम्र होना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैलेंट, गैलेंट का मतलब होता है क्या, गैलेंट मतलब होता है जैसे कहते हैं ना कि वीर होना, बहादुरी दिखाना, तो उसका पूछ रहा आपसे सिनोनिम, तो बहादुरी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ब्रेव होना, ऑप्शन नंबर डी, जिसका पूरा सॉल्यूशन हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस कमेंट करके बताओ कि आपने कितना स्कोर किया इस पूरे मॉक टेस्ट के अंदर। और हाँ, जाने से पहले फिर से याद दिला दूं, आप में से जितने भी बच्चों ने अगर अभी तक पीडीएफ्स बाय नहीं किया तो एग्जाम से पहले सारी पीडीएफ्स को बाय करके 2 बार पढ़ लो, मैंने फिर से बोला था ना जो स्टार्टिंग में, बहुत वीवीआई पीडीएफ है सब, तो व्हाट्सअप करके पूछोगे प्राइस क्या है, वहीं पर प्राइस बता दी जाएगी, और पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पर ही भेज दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे आप प्रिंट वगैरह कराना है तो आप करा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बाकी व्हाट्सअप करके पूछ लो प्राइस क्या है। और इतना मैं खुलेआम जब कह रहा ना कि रीजनिंग मैथ 100% सेम कंसेप्ट आएगा और इंग्लिश 80% आएगा उस वीडियोस को देखने के बाद और इसको करने के बाद, एक वीडियो है 1.5 घंटे के लगभग आसपास, 1 घंटे 26 मिनट की ग्रामर की, वो देख लो और उसके बाद हमारी पीडीएफ से कर लो, मतलब अब इसके बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप खुद जब एग्जाम के बाद आओगे तो आप बोलोगे सर मजा आ गया था, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ए टू जेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना।